लोकसभा चुनाव में करारी हार और आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर जेएमएम ने सांगठनिक तैयारियां तेज कर दी हैं। रांची में आयोजित केंद्रीय समिति की दो दिवसीय बैठक के पहले दिन पार्टी के नेताओं ने लोकसभा चुनाव में हुई चूक और प्रचार प्रसार में बरती गई शिथिलता को चिन्हित किया। पार्टी नेताओं का मानना है कि भूल सुधार के साथ जेएमएम एक बार फिर आगामी विधानसभा चुनाव में अपने पुराने तेवर में नजर आएगी। इतिहास गवाह है कि जब जब जेएमएम को कमजोर करने की साजिश हुई है, पार्टी और निखर कर सामने आई है। हर जिला से जो विधानसभा बार जो भी परफॉर्मेंस रहा है लोकसभा के परिप्रेक्ष्य में और आगामी दिनों में विधानसभा की जो तैयारियां करनी है, उन सारी चीजों पे इनपुट्स अभी आ रहे हैं। आज भी इनपुट्स आ रहा है, कल भी बहुत सारी चीजें आएंगी और उसके बाद कल हम जब निष्कर्ष पर पहुंचेंगे उसके बाद हमारी रणनीति क्या होगी विधानसभा के लिए, हमारा नैरेटिव क्या होगा, हम लोग किस स्लोगन के साथ जाएंगे, किन मुद्दों को सामने लेकर आएंगे, इन सारे चीजों पर कल निर्णय हो जाएगा। जेएमएम के केंद्रीय समिति की बैठक में कई नेताओं ने मुखरता से अपनी बात रखी, चाहे वो मुद्दा लोकसभा चुनाव के दौरान बूथ स्तर पर होने वाली चूक से संबंधित हो या फिर महागठबंधन में जेएमएम के शामिल होने या ना होने को लेकर नफा नुकसान की। जेएमएम का यह दावा है कि ऐसी ही मुखर आवाज से मिले सुर मेरा तुम्हारा का फॉर्मूला सफल होगा। तौर पे यदि चुनाव में हार हुई तो उसका एकमात्र कारण चूक है और हमारी भूल है। इसको स्वीकार करने में तो हम कभी पीछे नहीं हटते और भूल को ही सुधारा जा सकता है। हम लोग उसी भूल के कारणों का पता कर रहे हैं कि हम लोग कहाँ चूक गए, किस स्ट्रेटेजी में हम चूक गए, किस प्रोपोगंडा को हम लोग काउंटर नहीं कर पाए, तो उन सारी चीज़ों पे मंथन हो रहा है और जब देखिएगा इसका जब आउटकम आएगा तो एक अच्छा रिजल्ट के साथ हम लोग विधानसभा में आएंगे। जेएमएम की केंद्रीय समिति की बैठक में बीजेपी के मिशन कोल्हान और संथाल पर विचार मंथन जारी है। जेएमएम अपने इस आधार वाले दोनों ही क्षेत्र में अपने दबदबे को बरकरार रखने के लिए नई रणनीति के साथ मैदान में होगी। पार्टी नेताओं का मानना है कि लोकसभा चुनाव से उलट विधानसभा में क्षेत्रीय मुद्दे हैं और उन मुद्दों पर आंदोलन के दम पर जनता का समर्थन हासिल करेगा। तो कोल्हान ही है, पिछला विधानसभा के वक्त में माननीय प्रधानमंत्री जी उस समय भी मैं चाय वाला करके जो है ना वहाँ पर भाषण देने के लिए आए थे, लेकिन पश्चिमी सिंहभूम जिला बीजेपी नील हो गया था। एक में गीता मैडम जीती थी, बाकी जेएमएम जीता था। इस बार भी लोकसभा में टाटा कॉलेज में आए थे, उन्होंने बताया कि जब तक नरेंद्र मोदी रहेगा या बीजेपी रहेगा आदिवासियों की जमीन पर कोई उंगली नहीं उठा सकता है, लेकिन इस बार भी उसको जो है ना वो सीट नहीं मिला। इसलिए कोल्हान तो कोल्हान है और इसलिए जो भी हो कोल्हान के लोग भावना को जानते हैं, मिट्टी की महक पहचानते हैं, इसलिए हम समझते हैं कि कोल्हान कोल्हान ही रहेगा। झारखंड की राजनीति में जेएमएम की पहचान हमेशा ही उसके अपने राजनीतिक तेवर और उसके आंदोलन को लेकर होती रही है। जेएमएम फिर एक बार चुनावी मैदान में शिकस्त के बाद अपने पुराने लय में आना चाहता है। इसके लिए जरूरी है कि पार्टी आंदोलन के रास्ते जन मुद्दों को जन समर्थन के जरिए राजनीति के मैदान में ले जाने में सफल साबित हो। न्यूज़ 11 के लिए रांची से अविनाश कुमार की रिपोर्ट।